दिलों की धड़कन बन चुकी हरियाणा की मशहूर डांसर व गायक सपना चौधरी आगामी 11 नवंबर को ताजनगरी में आ रही हैं। वे ताजनगरी में ऑडिशन में विजेताओं को पुरस्कृत करेंगी। रविवार को सिकंदरा स्थित होटल में आरोही इवेंट के मिस्टर एंड मिस आगरा के ऑडिशन का पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान आरोही इवेंट्स के निर्देशक अमित तिवारी ने बताया कि संस्था पिछले 8 वर्षों से ब्यूटी प्रेजेंट का काम बड़े स्तर पर करती आ रही है। शहर के युवाओं को इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को होने जा रहे आरोही इवेंट्स के मिस्टर एंड मिस आगरा के ऑडिशन का ग्रैंड फिनाले किया जाएगा। इस बार मिस्टर एंड मिस आगरा के विजेताओं को पुरस्कार करने के लिए हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को आमंत्रित किया गया है। वहीं इस मौके पर आगरा की कोरियोग्राफर सारा मून ने बताया कि ऑडिशन में चुने गए प्रतिभागियों का सेमीफाइनल 11 नवंबर को होटल मार्क रॉयल में किया जाएगा। इस दौरान अरविंद राणा, डॉक्टर सुहानी गुप्ता, मंगल सिंह ढाकर, निहारिका सिंह और अरुण प्रसाद आदि मौजूद रहे। तो यार ये मिस एंड मिस आगरा, इस बार ये इसका सीज़न 9 है। इसके ऑडिशन हम लोगों ने 5 नवंबर को परिंदा कैफ़े में रखे हुए हैं। 11 नवंबर को इसका सेमीफाइनल है, इसके बाद इसका फाइनल है। फाइनल की डेट अभी हम लोगों ने ओपन नहीं करी है, वो हम सेमीफाइनल के बाद ओपन कर देंगे। और इस बार जो इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो विनर्स होंगे, उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आ रही हैं सपना चौधरी और भी हमारे 2-3 सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी हमने उनके नेम ओपन नहीं करे हैं, वो भी हम आफ्टर सेमीफाइनल ओपन करेंगे। पार्टिसिपेंट्स तो अभी हम ऑडिशन में जितने फाइनल में लाइक 20 तो होंगे मिनिमम, एंड इफ दे आर लाइक अगर हमें लगता है कि कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं तो हम 15 भी कर देते हैं, 15 गर्ल्स 15 बॉयज़। बट मान के चलिए 10 गर्ल्स 10 बॉयज़ तो फाइनल स्टेज पे होते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे हमारे पास कंटेस्टेंट्स आते हैं तो वी कैन लाइक इंक्रीज द नंबर। आरोही इवेंट्स और अमित भैया को और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो आगरा में इतना अच्छा इवेंट कराते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है और भैया ने बताया और सारा मून ने बताया कि ये सीज़न 9 है, जब लोगों को पता चलता है कि आरोही इवेंट्स का कोई कंपटीशन होने वाला है तो उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनका एक लेवल होता है, एक अच्छा प्रोग्राम होता है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सपना चौधरी लास्ट टाइम नहीं आ पाई थी, तो लोगों में और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि सपना चौधरी के हाथों से उनको प्राइज़ मिलेगा। और एक बार फिर से आरोही की पूरी टीम को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है। आई एम द विनर ऑफ मिस आगरा 2019 एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अमित तिवारी एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन आरोही इवेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट फॉर सो लॉन्ग, एंड we are very great for the opportunity that we are getting after working with him, so we will be having a great future ahead. Thank you. खबरों में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डर